दोस्तों सैमसंग ने रिसेंटली गैलेक्सी वॉच 4 लॉन्च की है। ये वॉच 40mm और 44mm के दो साइजेस में और 5 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। मेरे पास ये 44mm का सिल्वर कलर आया है और आज इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इम्प्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवम चौधरी एंड यू आर वॉचिंग 91 मोबाइल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए करते हैं वॉच को अनबॉक्स और देखते हैं कि क्या कुछ दिया गया है इसमें। सबसे पहले इसके बॉक्स पर आप अगर नज़र डालेंगे देखेंगे काफ़ी यहाँ पर लंबा सा इसका बॉक्स रखा गया है। ऊपर गैलेक्सी वॉच 4 की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पर आपको वॉच की एक फर्स्ट लुक मिल जाती है। नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग है। आप देखेंगे यहाँ पर इसके लेफ्ट में सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 लिखा है तो वहीं राइट में खाली है और यहाँ पर साइज़ को डिनोट किया गया है। यहाँ पर लिखा है 4.4 सेंटीमीटर विच मीन्स 44mm। और दोस्तों पीछे कुछ स्टिकर्स वगैरह लगे हैं जहाँ पर लिखा है कि क्या इसका साइज़ वगैरह क्या स्पेसिफिकेशन है। ब्लूटूथ वाईफाई जीपीएस के साथ ये आती है। मेरे पास ये सिम कनेक्टिविटी वाली वॉच नहीं है। आइए इसको अनबॉक्स करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो दोस्तों इस तरीके से बॉक्स अनबॉक्स हो जाता है। काफ़ी सिंपल है यहाँ पर और सबसे ऊपर आपको यहाँ पर वॉच मिल जाती है कुछ इस तरीके से रखी हुई। देख सकते हैं आप दोस्तों ये है वॉच और फर्स्ट लुक में मैं कहूँगा कि बड़ी ही स्लीक और प्रीमियम फील यहाँ पर आपको ये वॉच देती है। सिल्वर कलर जो इसका है स्पेशली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो स्ट्रैप्स हैं ये सिलिकॉन स्ट्रैप्स हैं एज यूजुअल जैसा कि वॉच में पहले भी आते रहे हैं। बात करेंगे डायल वगैरह की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम डायल है। पीछे की तरफ सेंसर्स दिए गए हैं। गैलेक्सी वॉच लिखा है और इसके बारे में लिखा है कि इस पर आपको गोरिल्ला ग्लास डीएक्स प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है प्लस 5 ATM का वाटर रेजिस्टेंस वगैरह इस पर आपको मिल जाता है। साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर दो कीज दी गई हैं विच मीन्स पहले वाली है रेड कलर के साथ जिसमें एक बैंड भी दिया गया है। इससे आप वॉच को ऑन ऑफ कर पाएंगे और ये दूसरी मल्टीफंक्शनल की है। इसके यूज़ को हम वॉच पर आगे ऑन करने के बाद देखेंगे। पहले देख लेते हैं बाकी और क्या कुछ दिया गया है बॉक्स में। यहाँ पर आप देखेंगे कि सैमसंग का एक एनवलप दिया गया है जिसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है सैमसंग का एनवलप और देखते हैं इसमें क्या है। दोस्तों यहाँ पर इसकी चार्जिंग केबल है। ये रही चार्जिंग केबल विच इज़ USB 2 मैग्नेटिक पैड टाइप जो यहाँ पर इसमें दिया गया है जिसके थ्रू आप इसको वॉच को चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह दोस्तों दिए गए हैं। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। इसको हम साइड करते हैं। बॉक्स में यहाँ पर कुछ नहीं है। इसकी बात करें तो मुझे यहाँ पर भी इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। तो कुल मिलाकर बॉक्स कंटेंट काफ़ी मिनिमम रखा गया है। ये है कुछ बॉक्स कंटेंट जो आपको सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 के बॉक्स में मिलने वाला है। चलिए अब वॉच को ऑन करते हैं और आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही वॉच यहाँ पर ऑन होती है तो आप देखेंगे सैमसंग यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है और इसमें बेजल्स भी दिए गए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पर शो हो रहा हो तो स्क्रीन के साइड में यहाँ पर सर्कुलर डार्क ब्लैक में बेजल्स दिए गए हैं। और अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो ये एक 450x450 की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो कि वॉच पर दी गई है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर इस पर आपको मिल जाता है। इसी के साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विद डीएक्स प्लस की प्रोटेक्शन मिल जाती है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑन होने का टाइम हम इसको देते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके से टाइम यहाँ पर आ जाता है। वॉच को मैंने सेट यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है। अनलॉक इसको कर लेता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे वॉच जो है हमारी ऑन हो चुकी है। और सबसे पहले इसको पहनता हूँ और आपको इसका फिट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरीके से इजीली आप इसको पहन पाएंगे और काफ़ी अच्छा लुक आपको यहाँ पर ये वॉच दे देती है पहनने के बाद भी। साइज़ 44mm का काफ़ी यहाँ पर अच्छा लगता है। उसमें आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। स्क्रीन साइज़ काफ़ी अच्छा दिया गया है। छोटा तो आपको बिल्कुल नहीं लगने वाला है यहाँ पर। देखिए अब आपको आगे की चीज़ें इसमें दिखा देता हूँ। वॉच में इस तरीके से ऊपर की तरफ स्लाइड करके आपको यहाँ पर इसके फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स पे ही चलते हैं। यहाँ पर कनेक्शन की बात दोस्तों करते हैं तो कनेक्शन में आप देखेंगे ब्लूटूथ यहाँ पर आपको मिल जाता है और ब्लूटूथ 5.0 है। वाईफाई की हम बात करें तो डुअल बैंड वाईफाई यहाँ पर आपको मिल जाता है यानी कि वॉच में आप 2.4 GHz के साथ 5 GHz का वाईफाई भी कनेक्ट कर पाएंगे। और यही नहीं अगर मैं NFC की बात करूँ कनेक्टिविटी के लिए वो भी इसमें मौजूद है दोस्तों। और IP68 रेटिंग के साथ भी ये वॉच आती है। वापस चलते हैं देखते हैं
इसके डिस्प्ले फीचर्स तो आप देखेंगे ब्राइटनेस, ऑटो ब्राइटनेस का फीचर भी यहाँ पर दिया गया है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको फीचर मिल जाता है। बट क्योंकि आप देखेंगे अभी केवल 9% बैटरी इस वॉच की है, तो इस वजह से मैं उसको अभी ऑन नहीं कर पाऊँगा। इसके अलावा दोस्तों एडवांस फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर वाटर लॉक है, बैड टाइम है, थिएटर मोड है, SOS है और कस्टमाइज कीज़ वगैरह के फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको पिन लॉक मिल जाता है, लोकेशन इसमें आपको मिल जाती है और अबाउट वॉच में अगर हम चलेंगे तो आप देखेंगे इसका मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 1.5 GB रैम के साथ 16 GB की इंटरनल स्टोरेज आती है। ये एक अच्छी चीज़ है जो कि यहाँ पर इस स्मार्ट वॉच में दी गई है। अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर की यहाँ पर बात करूँ दोस्तों तो ये चलता है One UI 3.0 पर, जो कि सैमसंग का एक वॉच OS है। बैटरी की हम बात करें यहाँ पर दोस्तों तो बैटरी इसकी 361 यानी कि 361 mAh की है। प्रोसेसर यहाँ पर एक्साइनोस W920 डुअल कोर है विच इज़ 5 nm फैब्रिकेशन बेस्ड। तो ये हैं इसके जो स्पेसिफिकेशंस है दोस्तों। और इसके अलावा सेंसर्स वगैरह की हम बात करें तो इस वॉच में आपको सैमसंग बायोएक्टिव सेंसर मिलता है विच इज़ ऑप्टिकल हर्ट प्लस इलेक्ट्रिकल रेट प्लस बायो इलेक्ट्रिक इम्पिडेंस एनालिसिस। एक्सीलरोमीटर मिल जाता है, बैरोमीटर मिल जाता है, गायरो सेंसर है, जियोमैग्नेटिक सेंसर है और लाइट सेंसर है। फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें जो खास फीचर्स दोस्तों दिए गए हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ऑल बॉडी कंपोजिशन का फीचर जो है वो मिल जाता है, ये देखिए, जिसके ज़रिए आप अपने बॉडी फैट, इसके अलावा स्केलेटल मसल, ये सभी चीज़ें मेज़र कर पाएंगे और बड़ा ही आसान है मेज़र करना। आपको केवल यहाँ पर अपना वेट कन्फर्म करना है और जो आपकी दो फिंगर्स हैं, मिडल फिंगर प्लस रिंग फिंगर, उसको इन दोनों कीज़ पर यहाँ पर टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस कर देता है स्टार्ट और आपको आपका पूरा बॉडी कंपोजिशन यहाँ पर ये बता देता है। ऑल न्यू बॉडी कंपोजिशन टूल के साथ ये वॉच आती है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाते हैं, इसमें रनिंग है, साइकिलिंग है, जिमिंग है, स्विमिंग पूल है, एक्सरसाइज है और आप अपने हिसाब से बाकी तरह के मोड्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको जनरली बताऊँ तो मुझे यहाँ पर कोई कमी नहीं लगी है, कोई जो मोड है वो मिसिंग नहीं लगा है। एक खास बात और है, ये जो इसका डायल है ये भी एक टच पैड की तरह काम करता है और आप इसके थ्रू भी वॉच को ऑपरेट कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, अगर मैं इसको सर्कुलरली यहाँ पर स्वाइप करता हूँ तो जो डिस्प्ले है वो काम कर देती है। इसके अलावा ऊपर से आप स्क्रॉल डाउन करके नोटिफिकेशन बार को भी एक्सेस कर सकते हैं और स्लीपिंग टाइम वगैरह भी अपना स्मार्ट वॉच के ज़रिए चेक कर सकते हैं। आइए आपको बताता हूँ कि आप इसको स्मार्टफोन से कनेक्ट कैसे कर पाएंगे। वॉच को स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको यहाँ पर गैलेक्सी वियरेबल के नाम से एक ऐप मिल जाती है जिसको आप अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल करेंगे तो उसके ज़रिए आप अपने वॉच को यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। वॉच फेसेस भी यहाँ पर काफ़ी कमाल के हैं, काफ़ी तरह तरह के वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं वॉच को यहाँ पर निकालता हूँ और फिर आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहाँ पर वॉच फेसेस हैं, उसके लिए मैं पहले यहाँ पर वॉच को पेयर कर लेता हूँ स्मार्टफोन के साथ। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ से सेलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट वॉच फेसेस जो हैं वो अपनी स्मार्ट वॉच पर लगा पाएंगे दोस्तों। ये देखिए, यही नहीं स्मार्ट वॉचेस के तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल ही जाते हैं, फाइंड माई वॉच और दूसरी वॉच सेटिंग्स जो हैं वो भी आप इस ऐप के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे। ये वॉच यहाँ पर कॉलिंग फीचर के साथ तो आती ही है दोस्तों, इसके अलावा इस पर आपको दूसरी नोटिफिकेशन सोशल मीडिया वगैरह की या मैसेजिंग ऐप की वो भी आसानी से मिल जाएगी। फाइनली अगर मैं इस वॉच के प्राइस की बात करूँ दोस्तों तो 44 mm जो मेरे पास ये जो मॉडल है ब्लूटूथ वाला विदाउट LTE यानी कि eSIM के बिना वाला जो मॉडल है, इसकी कीमत है 26,999 रुपये। और फर्स्ट इम्प्रेशंस में मुझे ये वॉच जो है काफ़ी पसंद आई है और अगर आप इस वॉच का रिव्यू या कंपैरिजन किसी दूसरी वॉच के साथ देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल यही था आज के वीडियो में, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं शिवम चौधरी, मिलते हैं अगली वीडियो में।